दोस्तों कई करोड़ साल पहले धरती पर विशाल दैत्यकार डायनासोर ने राज किया था, जिनके होने के सबूत हमारे वैज्ञानिक आज भी दुनिया के सामने लाते रहते हैं। लेकिन कई बार ऐसे भी अवशेष वैज्ञानिकों को मिल जाते हैं जिन पर विश्वास कर पाना पूरी मानव सभ्यता के लिए आसान नहीं होता है। एंड अब की बार कुछ ऐसी ही सफलता वैज्ञानिकों को मिली है, क्योंकि चीन के गांजाओ नाम की जगह में शोधकर्ताओं को डायनासोर के एक ऐसे अंडे का अवशेष मिला है जहां अंडे में मौजूद भ्रूण या कहें तो बच्चा ऐसी कंडीशन में मिला है जो कि पूरी तरीके से विकसित हो चुका था और बस अंडा फोड़कर बाहर निकलने ही वाला था, पर ना जाने किस कारण से यह बाहर नहीं निकल पाया। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि पक्षियों के चूजे अपने अंडों की शैल को तोड़कर उनसे बाहर निकल आते हैं। शोधकर्ताओं की माने तो यह अंडा 6.6 करोड़ साल पुराना हो सकता है, जब उड़ने वाले डायनासोर और चलने वाले डायनासोर दोनों ही धरती पर मौजूद हुआ करते थे। लेकिन इस अंडे में मिला भ्रूण ना तो पूरी तरीके से उड़ने वाले डायनासोर की प्रजाति का है और ना ही पूरी तरह से चलने वाले डायनासोर की प्रजाति का है, क्योंकि यह एक्चुअली में इन दोनों का ही मिक्सचर सा लग रहा है, जिसके चेहरे पर पक्षियों की तरह चोंच है लेकिन बाकी पूरी बॉडी एक नॉर्मल डायनासोर की तरह है। एंड इसी वजह से यह अंडे की खोज डायनासोर के समय में पाए जाने वाली कई सारी जानी अनजानी प्रजातियों का खुलासा कर रही है। फिलहाल के लिए इस भ्रूण को बेबी यांगलियांग नाम दिया गया है। वैज्ञानिक यह बता रहे हैं कि यह मानव इतिहास में अब तक के मिले सभी डायनासोर के अंडों में से सबसे अच्छी कंडीशन में मिला हुआ भ्रूण है। यह खोज इसलिए भी सुर्खियों में है क्योंकि इसकी मदद से साइंटिस्ट डायनासोर और आज के पक्षियों के विकास की कई सारी कड़ियों को जोड़ पा रहे हैं। इस अंडे में मौजूद भ्रूण एक घुमावदार स्थिति में बना हुआ है जहां पर बच्चे के हाथ और सिर छाती के अंदर दबे हुए से दिख रहे हैं। इस कंडीशन को टकिंग कहा जाता है। यह एक ऐसी स्थिति और व्यवहार होता है जो कि पक्षियों में उनके अंडे के फूटने से पहले पाई जाती है, जिसके बाद वैज्ञानिक यह अंदाजा लगा पा रहे हैं कि यह टकिंग का रिवाज आज के पक्षियों में उनके कभी डायनासोर रहे पूर्वजों से आया होगा। यह भ्रूण अब तक के सबसे ताजा और सही सलामत हालात में मिला जीवाश्म है। शोधकर्ताओं का कहना था कि ऐसा भ्रूण उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था, क्योंकि यह डायनासोर का बच्चा बस अंडे से बाहर निकलने ही वाला था, परंतु किसी कारणवश ऐसा नहीं हो पाया होगा। वास्तविक रूप से यह भ्रूण सिर से लेकर पूंछ तक 10.6 इंच लंबा है। वैसे तो सन 2000 में ही इसकी खोज कर ली गई थी, लेकिन अगले 10 साल तक इसे स्टोरेज रूम में रख दिया गया था। लेकिन जब संग्रहालय में सभी पुराने जीवाश्म की छटनी होने लगी, तभी कुछ शोधकर्ताओं ने इस अंडे में भ्रूण होने का दावा कर दिया और आज यह अंडा अपनी पूरी सच्चाई के साथ सामने आ गया है। बेबी यांगलियांग नाम का यह भ्रूण सच में 2021 की सबसे बड़ी खोज है। सो दोस्तों, आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी और आपने काफी कुछ नया भी सीखा होगा। सो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। एंड ऐसे ही 4-5 मिनट की साइंस, स्पेस और एनिमल वर्ल्ड से जुड़ी हुई ज्ञानवर्धक वीडियोस को पाने के लिए इस चैनल द साइंस सिस्टम को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल का बटन जरूर दबा देना। इसी के साथ मैं गौरव मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी अमेजिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।